और ये है उनकी दुनिया। कठिन नियमों से भरा जीवन बिताने के बाद सोम साहब को अचानक शायद अनजाने ही कुछ अजीब सा लगने लगा। वे रोज रोज की अपनी नीरस जिंदगी से ऊबने लगे। तो सोम साहब जा पहुंचे एक मशहूर शिकारी के दीवान खाने में। शिकार भलोई मुंदो नय। और सोम साहब ने तय कर लिया हम भी शिकार खेलेंगे। एक दिन ऑफिस से छुट्टी ली और शिकार खेलने यहां आ गए। लेकिन सोम साहब शिकार किसका करेंगे? शेर का? ना ना की दरकार सब ये। काफी सोच समझ कर उन्होंने तय किया कि उनको चिड़ियों का शिकार करना चाहिए और वे पक्षी विशेषज्ञ हो गए। फिर एक दिन वे अपने चिड़िया मार अभियान पर निकल पड़े। वे इस डाक बंगले में रहेंगे। कल सवेरे उनकी चिड़िया शिकार यात्रा शुरू होगी। वे करीब 10 मील बैलगाड़ी में जाएंगे, फिर उसके बाद पैदल। लोगों का ख्याल है ये सोम साहब का नया शौक है। शौक ना घेचू, खाना तैयार है साहब।
जंगली काये कहता है तो कहता रहे, हम प्यार के तूफान में गिरी है ओ, हम क्या करें चाहे मुझे कोई जंगली कहे। क्या हिंदी भी आती है तुमको? हाँ जी सरकार, सरकार बंगला चौकीदार बोला कि साहब गुजराती नहीं समझे, मैं हिंदी जानू, मैं हिंदी पहचानू, फिक्र ना करे। हाँ गाना सुना है। हाँ देश देश के आदमी हमारे यहाँ आते, मैं साहब के सवारी फिरा हूँ, इसीलिए मैं हिंदी सीखी गया। ली ली मैं राजस्थानी पढ़ जानू। अच्छा हाँ, अरे थारी जनारी रबार परो कर जी विराजी, अरे थारी जनारी रबार परो कर जी। ना करू तो तेज चले नहीं बस, और तेज नहीं चले तो देर हो जाए, और देर हो जाए तो पंखी उड़ी जाए, और पंखी उड़ी जाए तो जाना बेकार। चलाओ चलाओ कौन सा गांव है? कुक्कड़ आबाद गांव से मोटू गांव। साहब पंखी नो शिकार करवा जाए छे।
साहब पंखी नो शिकार करवा जाए छे। री, 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 री।